मध्य प्रदेश शासन के पर्यावरण विभाग की संस्था पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन ने पौधारोपण के लिए जन भागीदारी के माध्यम से अंकुर अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत आज खनिया थाना शासकीय अस्पताल में अधिकारी कर्मचारियों के साथ जनप्रतिनिधि आमजन ने पौधारोपण किया। अंकुर कार्यक्रम के सभी वॉलेंटियर्स ने आज लगभग 50 पौधों का रोपण शासकीय अस्पताल प्रांगण में किया। सबसे पर खनिया थाना तहसीलदार के साथ नगर पंचायत CMO हरिराम यादव, खनिया थाना थाना प्रभारी तिमेश झारी, खनिया थाना BMO डॉक्टर अरुण झसिया के साथ ही डॉक्टर पवन भरदेलिया, पूर्व जनपद अध्यक्ष प्रहलाद सिंह यादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष भानु चौधरी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने लगाए हुए पौधों को देखरेख और सुरक्षा करने की जिम्मेदारी ली। आगे भी अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की सौगंध खाई। ये लगभग 108 वृक्षों का वृक्षारोपण के कार्यक्रम था। भारत सरकार के अंकुर अभियान के तहत ये वृक्षारोपण किया गया है। इसमें हमारे जनपद के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह जी यादव, तहसीलदार साहब, CMO साहब और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर साहब, सभी लोगों ने, TI साहब, सभी लोगों ने यहाँ, और जनप्रतिनिधि सभी नगर के, भाजपा के मंडल अध्यक्ष सतप्रकाश जी, सभी ने यहाँ कार्य वृक्षारोपण किया। और अभी पिछले समय देखा गया था, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी बहुत महसूस हुई, उसके तहत सरकार ने इस पर विशेष जोर दिया है वृक्षारोपण के कार्यक्रम पर। तो ये अंकुर अभियान के तहत ये कार्यक्रम आज सफल हुआ। अभी ऐसे और कार्यक्रम रखे जाएंगे आप? हाँ, आगे आने वाले त्योहारों पर, जैसे 15 अगस्त आ रहा है, राष्ट्रीय तो पर्व हमारा, उस पर भी हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखेंगे। और अभी चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती पर भी उनके कर्मस्थली पर वृक्षारोपण किया गया था। आज अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार अस्पताल प्रांगण में लगभग 50 वृक्षों का पौधारोपण किया गया है, जिसमें समस्त विभागों के अधिकारी, TI साहब, CMO साहब और जनप्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष और भाजपा मंडल के अन्य पदाधिकारी एवं श्री प्रहलाद सिंह यादव जी की उपस्थिति में वृक्षारोपण किया गया है। एवं प्रयास है कि सभी वृक्ष जीवित रहें और पूरे भविष्य में आगे चलकर पेड़ बने। और जैसा कि शासन की मंशा है कि हमें ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए, हम इस तरह पूरा ध्यान रख रहे हैं और पेड़ों की सुरक्षा करके पूरा पेड़ विकसित हो, ऐसा हमारा प्रयास है।